ओलंपिक में चाइना हर बार टॉप फाइव में ही फिनिश करता है, और अगर हम इंडिया के पिछले 25 सालों का रिकॉर्ड देखें तो इंडिया ने जो बेस्ट फिनिश किया है वो लास्ट ईयर किया है, और वो भी 48th पोजीशन पर। हम इंडिया की बात नहीं करते क्योंकि उसके कई सारे रीज़न हैं। इंडिया ओलंपिक में इतना अच्छा क्यों नहीं है, इस पर फोकस ना करते हुए आज हम फोकस करेंगे इस बात पर कि चाइना इतना अच्छा क्यों है। सबसे मेन रीज़न, 4-5 साल से ही वहाँ के बच्चों की ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाती है और उन्हें वहाँ हर चीज़ से दूर रखा जाता है। उनके दिमाग में बचपन से एक चीज़ डाल दी जाती है कि तुम्हें ओलंपिक में मेडल लेकर आना है। घर से दूर, दुनिया के सारे डिस्ट्रैक्शन से दूर, कहीं आना जाना नहीं, ना किसी शादी में, ना किसी पार्टी में, ना दोस्तों से मिलना, कहीं घूमने नहीं जाना, ना टीवी, ना फोन, पूरा फोकस ट्रेनिंग पर। इंसान चाहे भी तो डिस्ट्रैक्ट कैसे होगा, क्योंकि सारे डिस्ट्रैक्शन को ही वहाँ से हटा दिया गया है। अब वहाँ पर काम ही एक ही है करने को, तो इंसान ना भी चाहे तो भी उसका फोकस उसी काम पर होगा, क्योंकि दूसरा कोई काम है ही नहीं वहाँ पर। वो वहाँ पर एक ऐसा माहौल क्रिएट कर देते हैं कि उनकी विल पावर जो है वो टाइम के साथ में और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती जाती है, और जिस एज में वो एक्सपर्ट बनते हैं ना, तब तक तो हमारे यहाँ पर ट्रेनिंग स्टार्ट नहीं होती। वो 15-16 साल की उम्र में इतने माहिर हो जाते हैं अपनी फील्ड में कि उसके बाद तो जितनी भी प्रैक्टिस होनी है सारी बोनस है। देखो, प्रैक्टिस सब करते हैं, हार्डवर्क सब करते हैं, फर्क ये पड़ता है कि कितने टाइम के लिए आप करते हैं और कैसे करते हैं। हमारे यहाँ लोगों को स्टेटस लगाने से ही फुर्सत नहीं है। कुछ लोग स्टेटस बनाते हैं और कुछ लोग सिर्फ स्टेटस लगाते हैं। देखो, स्टेटस लगाना कोई बुरी बात नहीं है, पूरी दुनिया में आपकी सक्सेस की गूंज होनी चाहिए, लेकिन पहले स्टेटस बनाओ तो सही। हमने यहाँ पर एग्जांपल लिया चाइना के ओलंपिक का, लेकिन इसको रिलेट करना अपने काम से, अपने ड्रीम से, अपने गोल से, क्या उतना सेक्रीफाइस करते हो आप, क्या उतना हार्डवर्क करते हो आप, वो भी इतनी कंसिस्टेंसी के साथ, फोन, टीवी, सोशल मीडिया, फ्रेंड्स, रिलेटिव, इतने सारे एंटरटेनमेंट से दूर रहकर। उन्होंने सारे डिस्ट्रैक्शन को हटा दिया, और यहाँ तो डिस्ट्रैक्शन को हम साइड में रखकर चलते हैं, बार बार डिस्ट्रैक्ट होते हैं। डिस्ट्रैक्शन को आप जड़ से खत्म क्यों नहीं कर देते? कुछ ऐसा करो कि आप चाह कर भी डिस्ट्रैक्ट ना हो पाओ। एक साल के लिए खुद भी गायब हो जाओ और सारे डिस्ट्रैक्शन को भी गायब कर दो। गायब हो जाओ सोशल मीडिया से, हर जगह से, ना किसी रिश्तेदार के यहाँ आना जाना, ना किसी पार्टी में, ना किसी इवेंट में, पूरा फोकस खुद पर, अपने गोल पर, अपने ड्रीम पर। इसके अलावा कोई चीज़ होनी ही नहीं चाहिए। देखो, होगी तो दिखेगी, अगर डिस्ट्रैक्शन आपके साइड में तो वो आपको डिस्ट्रैक्ट करेगा ही करेगा, और अगर नहीं है तो ऑटोमेटिकली आपका फोकस आपके काम पर होगा, और जैसे जैसे आपका फोकस बढ़ेगा आप और इम्प्रूव होते जाओगे, आप अंदर से मोटिवेटेड फील करोगे, आपकी विल पावर टाइम के साथ में और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी, फोकस आपकी एक हैबिट बन जाएगी एक टाइम के बाद में। एक साल पहले आप जो थे और अभी आप जो हो, उसमें कितना फ़र्क है, बाहर से भी और अंदर से भी। कईयों के अंदर से फ़र्क आया होगा, कईयों के अंदर से फ़र्क नहीं आया होगा। कई लोगों के अंदर कुछ अच्छे चेंजेस आए होंगे, थोड़े इंप्रूव हुए होंगे, और कई लोग पहले से भी ज़्यादा गिर चुके होंगे। पर सवाल ये है कि जितना आप इंप्रूव होना चाहते थे या फिर जितना आप कर सकते थे उतना किया या नहीं किया, दैट्स द मेन प्रॉब्लम। देखो, जो बीत गया सो बीत गया, अगर पछतावा करना है, अपनी गलतियों को सुधारना है, तो अब ध्यान से सुनना। एक साल का समय है तुम्हारे पास, अगर तुम्हारा सोशल मीडिया का काम है तो फिर ठीक है, लेकिन अगर नहीं है तो सारे टाइम वेस्टिंग सोशल मीडिया से दूर हो जाओ एक साल के लिए। खुद पर फोकस करो, अपने काम पर फोकस करो, अपने सपनों को जियो, अपने आप का बेस्ट वर्जन निकालो, सारी नेगेटिव चीज़ों से दूर हो जाओ। दर्द आता है ना कभी कभी खुद पर, शर्म आती है ना खुद पर, लेकिन अब ऐसे काम करो कि खुद पर गर्व हो, खामोशी से मेहनत करो ताकि आपकी जो कामयाबी है वो दुनिया भर में शोर मचाए। बोलो कम और काम ज़्यादा करो, खुद को लो कर लो इस दुनिया से, एक हफ्ते के लिए, एक महीने के लिए, 6 महीने के लिए, 1 साल के लिए, जितना टाइम आपको लगे, और इतने टाइम में आपको ना कहना होगा कई सारी चीज़ों को, झूठा दिखावा करना, फालतू की बातें करना बंद करना होगा, सोचते रहना कि ये करूँ या ना करूँ, करूँ या ना करूँ, करूँ या ना करूँ, इसके बजाय करना। एक दरवाजा लगाकर खुद को बंद कर लो कुछ टाइम के लिए, ताकि फ्यूचर के लिए आपके बहुत सारे दरवाजे खुल जाए। और वो किसी ने क्या खूब बात कही है कि जग में रहकर कुछ नाम करो, अभी शुरुआत करो, लक्ष्य का ध्यान करो, यूं ना बैठकर बीच राह में मंजिल का इंतजार करो, संभालो खुद को, यूं ना विश्राम करो, तुम सपनों में उड़ान भरो, उठो चलो आगे बढ़ो, खुद के सपने साकार करो, इतिहास के पन्नों में अपना नाम दर्ज करो। तुम पा ना सको ऐसी कोई मंजिल नहीं, हार जीत का ख्याल मत करो, अडिग रहकर लक्ष्य का रसपान करो।